ये मेरे पास कार्ड है, 70,000 रुपया मांग रहे थे, 40,000 रुपया हमने डन किया है, बड़ी बहस करके कि जी मौसम ख़राब है, हमारे साथ फैमिली है तो आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। उन्होंने कह दिया जी हमने 50 से कम नहीं देना, जैसे भी आप आए जो भी, लेकिन वो कह रहे हैं हमसे बहस ना करेगा, लेना लेना जो हमारा टाइम ना वेस्ट करें। में जो डेथ हुई है इन होटलों की वजह से हुई है, क्योंकि 70,000 इन्होंने मांगा है तो गाड़ियों वालों ने गाड़ियों में अरेस्ट की है। जो घर से 50 लेके आया उसने कमरे का 50 देना है कि खाना है, यहाँ पे खाना खाया कितना बिल बना, 1900 बिल बन गया, 9 पराठे खाए, 1 चाय पी है, 900 रुपया बिल बन गया। वहाँ पे चीजें बहुत महंगी हैं, लोगों के पास पैसे खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे फंसे हुए हैं काफी दिनों से। पर डे 20,000-30,000 था, जब ये थोड़ा सा मसला हुआ, इशू हुआ है, गाड़ियाँ फंस गई हैं, तब वन नाइट का 50,000 रुपए मांग रहे थे, 50K। चीजें तो इंतहाई महंगी कर दी उन्होंने, एकदम से रेट बढ़ा दिए हर चीज के। जो हमारे साथ एक फैमिली आई, उन्होंने इतने तरले मिन्नतें उनसे की कि हमारे से पैसे थोड़े हैं, हम अरेंज नहीं कर सकते, हमें कमरा किराए पे दे रहे, बच्चे रो रहे थे, लेकिन उन्होंने कमरा किराए पे नहीं दिया। उन्होंने कहा 50,000 रुपया देंगे तो हम एक रात के लिए देंगे, हमने 80,000 रुपए के 2 कमरे लिए हैं जी, रूम्स के 50,000 रुपए रेंट है, 40,000 50,000 हमने 40,000 रुपए रेंट लिया, 40,000 एक दिन का 40,000 रुपए। यहाँ मरी से हम बूरबन की तरफ जा रहे थे तो नीचे से, काफी पहले की बात है, नीचे से एक रास्ता था ऐसे ऊपर, पहले नीचे उतरती सड़क में ऊपर जाती, तो नीचे एक ट्रक जानबूझ के मकामी लोगों ने खड़ा किया हुआ था, पता करवाया ये ट्रक किसका है, हर गाड़ी का मालिक था, वो ट्रक का मालिक वहां पे नहीं था, जानबूझ के वहां पे ट्रक खड़ा किया हुआ था कि उस ट्रक की वजह से गाड़ियां फंस के गुजरती हैं, और जैसे ही गाड़ी फंसती है, हल्की स्नो फॉलिंग हो रही थी, वो गाड़ियां ऊपर चढ़ने से इनकार कर देती है। फिर सामने पत्थरों के ऊपर लड़के बैठे हुए थे चेने पकड़ के हाथ में, वो जैसे ही आपकी गाड़ी फंसती थी उस ट्रक की वजह से, वो नीचे आते हैं, आके आपको कहते हैं जनाब ये चेन आप ले लें, 3,000 रुपए हम आपसे लेंगे, ये गाड़ी आपकी ऊपर चढ़ जाएगी, आप उनसे चेन ले लें तो फिर वो आपको चेन चढ़ा के आपसे 3,000 रुपए लेके आप 50 मीटर ऊपर जाते हैं, आगे सड़क सीधी आप निकल जाते हैं, और वो लोग बैठ के आपकी बेबसी का वहां तमाशा देख रहे हैं, एक ट्रक जानबूझ के खड़ा करके, और कोई इंतजामिया वहां नहीं है, मैंने शिकायत भी की थी, कोई एक्शन नहीं, वापस आया हूं ट्रक वहीं पे खड़ा था, बदमाशी है। और अगर आप ये कहें कि मैंने चेन नहीं लेना आपसे, तो फिर वो आपकी गाड़ी के ऊपर हाथ मारते हैं जोर जोर से, जोर जोर से हाथ, निकालो जल्दी निकालो, ट्रैफिक आ रही है, फंस रही, आपको जलील करते हैं आपकी फैमिली के समेत, कि निकालो गाड़ी जल्दी करो, जोर जोर से हाथ मारते हैं गाड़ियों के ऊपर, ताकि आप मजबूर होकर उनको 3,000 देके चेन लगवा के वहां से आप गाड़ी निकालें।